और अब बात पाक लड़की के इंसाफ की जंग की। ये लड़की दिल्ली में पढ़ना चाहती थी लेकिन कानून और कूटनीतिक मसले आड़े आ रहे थे। ऐसे में आज तक ने इस मसले को सरकार तक पहुंचाया। पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिली और आज मधु डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मिली। ये तय हो गया है कि कागजी कार्रवाई के बाद एक दो दिन में मधु दिल्ली में पढ़ाई का पहला पन्ना पलट सकेंगी। मनीष सिसोदिया से बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी साथ हैं। सर, आपको इसके बारे में सबसे पहले कब पता चला? मैंने अखबार में भी पढ़ा था और मुझे हमारे मुख्यमंत्री जी को सुषमा स्वराज जी का फोन भी आया था, आदरणीय विदेश मंत्री जी का, और उन्होंने बताया था कि इस तरह से एक बच्ची हमारे यहाँ है दिल्ली में और हमारी सबकी जिम्मेदारी है उसको पढ़ाना। तो हमने भी कहा बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी है, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है दिल्ली के रहने वाले एक एक बच्चे को पढ़ाना, वो चाहे जहाँ से भी हो, जिस भी मुल्क से हो, जिस भी धर्म जाति से हो, हमारी जिम्मेदारी है उसको पढ़ाना, तो हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो सर, हम उम्मीद कर सकते हैं इसको मधु को बहुत जल्दी एडमिशन मिल जाएगा? बिल्कुल, जो भी प्रोसेसेस हैं थोड़ा इनसे एक एप्लीकेशन फॉर्मर लेके और उसको प्रोसेस करा के मैं इनको एडमिशन स्कूल में जहाँ चाहती हूँ वो स्कूल में इनको एडमिशन दिलाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मधु भी है। मधु, आप कल परसों सुषमा स्वराज जी से मिली थी, उप मुख्यमंत्री जी से मिले, अब आपको उम्मीद है कि स्कूल एडमिशन हो जाएगा? मुझे पूरा भरोसा है, मुझे एडमिशन मिल जाएगा। अब आप खुश हो? जी बहुत। सर से मिलने के बाद? जी बहुत खुश। आज तक का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज तक ने भी इसके मसले को उठाया। अगर हम इसी तरह से समाज के और मसलों को उठाते रहें और बच्चों को एजुकेशन में मदद करते रहें, समाज को इस तरह से मदद करते रहें, अच्छा रहेगा।